आज का जो प्लान है ऑलरेडी अपने थंबनेल पे देख लिया होगा, ये 5 रूम के साथ मकान प्यारा सा बनाया गया है। इस मकान में आपको 5 रूम, ठीक है, किचन, 2 लेटरिन बाथरूम, सीढ़ी, हॉल, बरामदा विथ पोर्च के साथ ये प्यारा सा मकान आपका डिजाइन किया है दोस्तों। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और आपको एक एक डिटेल हम बताएंगे दोस्तों। प्लान की बात करें तो इसका जो बैक साइड है यहाँ पे 60 फिट है, 60 फिट है, आगे आकर के यहाँ पे 3-3 फिट दोनों साइड से स्पेस छोड़ दिया गया है, ठीक है। क्योंकि स्पेस क्या है इसको समझिएगा, पीछे 4 रूम ऑलरेडी मकान क्लाइंट के बने हुए थे, 4 बेडरूम आपके ऑलरेडी बने हुए थे क्लाइंट के, जिसमें से क्या है कि अब मान लीजिए तीनों साइड से इन्होंने पूरा कवर कर लिया। अब अगर हम आगे बढ़ाते तो यहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट में 3-3 फिट स्पेस यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और मकान की बात करें, इसकी जो लंबाई की बात करें तो 36 फिट कुछ इंच लगभग लंबाई है, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कितना है, ठीक है। और ये पोर्च आपका 7 फिट एक्स्ट्रा है दोस्तों, ठीक है। और कोई नक्शा बनाना है तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कांटेक्ट करके नक्शा बना सकते हैं। कॉलम की बात करें तो पीछे वाले 4 बेडरूम ऑलरेडी बने हुए थे, 60x13 या 12 समथिंग में बने हुए हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कितना बने हैं, ठीक है। तो इसमें हमको कॉलम नहीं देना है, जो भी आगे अगर हम हिस्सा बनाते हैं उसमें हमको किस तरीके से कॉलम देना है उसके बारे में आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये आपके कॉलम्स हो जाएंगे इस तरीके से। इस कॉलम का जो साइज यहाँ पे रखा गया है, मैंने सिंगल फ्लोर के लिए, 1 मंजिल के लिए 10x10 का रखा है। अगर आपको ये फ्यूचर में प्लानिंग है कि नहीं हमको फ्यूचर में 2 फ्लोर या 3 फ्लोर लेके जाना है, तो कॉलम का साइज आपका बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर 10x10 का आप कॉलम रखते हैं उस कंडीशन में आपको 4 सरिया 12 mm का आपको यूज करना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कितने नंबर आप कॉलम हैं, क्या चीज़ कैसे हो, सारी डिटेल आपको इसमें क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। और ये फ्रंट में आपका ये वाला कॉलम आपका पोर्च वाला 8 फिट इसका कास्टिंग रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीछे के कॉलम नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये कॉलम जो है दीवार से बाहर है। इस बात को समझिएगा कि ये दीवार, इसकी जो छत है ऑलरेडी पड़ गई पीछे 4 रूम की। अब अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो छत है इससे जॉइंट नहीं होगा। वजह यह है क्योंकि ये छत पुरानी है, ये छत नई है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं दिया है। तो इस पर आपको एक बीम देना होगा ऊपर, ठीक है। बीम दे देंगे तब ये छत जो भी आपकी आगे आएगी इस पर रेस्ट करेगी और इस छत से कनेक्ट हो जाएगी, तो आपकी दीवार में कोई क्रैक नहीं आएगा। बस हमने एक दो तीन कॉलम एक्स्ट्रा इसमें दे दिए हैं ताकि सेफ्टी आपके मकान की मेंटेन रहे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पर बाहर की जो दीवार है इसको 10 इंची का यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। जो भी बाहर की दीवार है इसको 10 इंची का रखा है फॉर सेफ्टी रीजन, तो कि कोई तोड़ करके मकान में घुसे ना। और अंदर की जो दीवार है सारी 5 इंची की आपकी दीवार मिलेंगी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से बाहर की दीवार 10 इंची और अंदर की जो भी दीवार है वो सब 5 इंची की आपको इस तरीके से मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। और यार एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप देख कर चले जाते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये पूरा ये हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस तरीके से आपका ये पूरा ये प्लान हो जाएगा रेडी ये, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लिंथ का। भाई मकान तो बना ली, मकान की कुछ कुर्सी तो रखना ही पड़ेगा ना, तो ये आपका प्लिंथ लेवल हो जाएगा। इससे क्या है कि आपके मकान में जैसे आसपास पानी वगैरह की दिक्कत है तो आपके आसपास पानी वगैरह नहीं लगेगा, इसीलिए प्लिंथ लेवल बेहतर दिया जाता है। और प्लस मकान थोड़ा ऊपर रहना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर 3 फिट ही रखा है, आप अपने हिसाब से 3 फिट 4 फिट तक रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मकान की हाइट भी आप रख लिए, अब मकान में एंट्री के लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आपका स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी सीढ़ियाँ हो जाएंगी, यहाँ से आप मकान में एंट्री कर जाएंगे इस तरीके से। ये आप मकान में आपसे एंट्री करेंगे, ये पोर्टिको है 7 फिट का, ठीक है, 7 फिट समथिंग ही आपका पोर्टिको प्लस बरामदा हो जाएगा। इसके आगे बात करें, यहाँ पे दिया जाएगा आपका एक गेट जो कि आपका बरामदे से या पोर्च से आपका इस तरीके से रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका एक ऑप्शनल दरवाज़ा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका अंदर से दरवाज़ा हो जाएगा बाहर से, और एक दरवाज़ा आप यहाँ बाहर से बाहर कर सकते हैं, मतलब मेन मकान का दरवाज़ा आपका यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप आगे एंट्री करेंगे, ठीक है, फिर आप आगे, हाँ, इस गेस्ट रूम में आपको 2 दरवाजे देने हैं, ठीक है। एक दरवाज़ा आपको अंदर से भी यहाँ पे देना है दोस्तों, इस दरवाजे को, एक दरवाजे को यहाँ से अंदर से भी आपको देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप मेन गेट से एंट्री करेंगे, आपका हॉल एरिया पूरा अच्छा खासा हॉल एरिया आपको मिल जाएगा। साइज़ वगैरह भी मैं आपको आगे बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दिया गया आपको सीढ़ी, ठीक है, ये आपका सीढ़ी है, इसको एक सेपरेट हिस्सा यहाँ पर आप बना सकते हैं इस तरीके से, आप
ये आपका सेपरेट हिस्सा हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब सीढ़ी आपकी ऊपर हो जाएगी, जब सीढ़ी की काफ़ी हाइट हो जाएगी, तो इसके नीचे से आप दरवाज़ा दे सकते हैं, चैनल वगैरह लगा सकते हैं, इससे मकान में आपकी एंट्री हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो भी चैनल गेट वगैरह है सीढ़ी के नीचे, आप इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका एक टॉयलेट बाथरूम दिया गया है दोस्तों। टॉयलेट बाथरूम का दरवाज़ा आप यहाँ पर लगाएँ, इससे होगा क्या कि इसका दरवाज़ा अगर अंदर से अंदर की तरफ से रोटेट करके रहेगा तो इसको यूज करने में अनकंफर्टेबल नहीं लगे। मान लीजिए कोई हॉल में बैठा है तो अनकंफर्टेबल लगता है ये टॉयलेट यूज करने में, इसीलिए यहाँ पे इसका दरवाज़ा दिया गया है दोस्तों। बाकी पीछे साइड में आपके दो बेडरूम इस तरीके से, मतलब चार बेडरूम दिए गए हैं, इनका दरवाज़ा आपका इस तरीके से यहाँ पर एक का हो जाएगा, ठीक है। एक का दरवाज़ा इधर हो जाएगा। साइज़ वगैरह भी मैं बताऊँगा, पूरा वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। ये आपका दो दरवाजे इधर हो गए और दो बेडरूम का दरवाज़ा आपका इस साइड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये पूरा ये प्लान रहेगा, ये दो का दरवाज़ा इस साइड में आपका हो जाएगा, पहले दो बेडरूम का, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप बर्तन वगैरह धुलने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका एक किचन वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। साइज़ वगैरह भी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, ये इस गेस्ट रूम से एक अटैच वाशरूम भी दिया गया। मान लीजिए कोई गेस्ट आता है तो उनको वाशरूम यूज करने में दिक्कत ना हो, अंदर तो जाके यूज कर नहीं सकते, इसीलिए एक वाशरूम यहाँ पर बाहर से दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक वाशरूम बाहर से दे दिया गया। तो ये इस तरीके से पूरा ये प्लान रहेगा दोस्तों। सीढ़ी आप देख लीजिए, सीढ़ी आपका इस तरीके से बनाया गया है दोस्तों। अब पूरा मकान बनने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। खिड़की वगैरह इसमें चारों साइड दे सकते हैं, क्योंकि इधर पीछे साइड और ये साइड में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये चारों रूम जो बनाया गया है क्लाइंट ने ऑलरेडी बनाया था, तो इसमें ऑलरेडी उन्होंने पूरा एरिया अपना कवर कर लिया, तो इसीलिए यहाँ पर 3-3 फिट मार्जिन दिया गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आगे से आप एंट्री करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीढ़ी हो जाएगा मकान बनने के बाद, आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। इसकी हाइट आपका एक फिट डाउन करेंगे मकान से, इस छत इसके लेवल से एक फिट डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका दरवाज़ा लग जाएगा। और ये सीढ़ी आप देख लीजिए, सीढ़ी की जो चौड़ाई रखी गई है 3 फिट 3 इंच है, ऊंचाई 7 इंच है। और जो पहली चौखट बनेगी उसमें आपको इस तरीके से दो पार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको सीढ़ी प्रॉपर मिल जाएगी और ये इस तरीके से आपका सीढ़ी पूरा रहेगा दोस्तों। स्पेस काफ़ी है सीढ़ी के नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को क्या है कि बाइक वगैरह खड़ी करने के लिए स्पेस सही है। और एक दरवाज़ा आपका यहाँ से रहेगा, मान लीजिए यहाँ दरवाज़ा बंद कर लिए, ये वाला हिस्सा आपका ओपन रहेगा, ठीक है। ये आपका टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बरामदे में आप एंट्री करेंगे पोर्च में, इसके बाद बरामदा, गेस्ट रूम दिया गया, गेस्ट रूम का दरवाज़ा बाहर से है, एक दरवाज़ा अंदर से भी है। इस गेस्ट रूम में एक अटैच वाशरूम भी है, इससे ताकि कोई गेस्ट वगैरह है तो उनको बाहर न जाना पड़े। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा किचन, ये लंबा सा पैसेज आपको मिलेगा। पीछे चार बेडरूम ऑलरेडी बने हैं और ये आपका दूसरा बेडरूम और दूसरा टॉयलेट बाथरूम। तो ये इस तरीके से टोटली प्लान रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब साइजेस की तरफ, और आपको एक एक साइज हम क्लियर कराते हैं कि किस तरीके से मकान का साइज वगैरह यहाँ पे बनाया गया दोस्तों। अगर हम मकान की इसकी विड्थ की बात करें तो यहाँ पे आपका 54 फिट है, पीछे आपका 60 फिट है, ठीक है। ये पीछे आपका 60 फिट है, वजह यह है कि क्योंकि 3 फिट हमने इस साइड छोड़ा है और 3 फिट इस साइड छोड़ा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, और इस वाले हिस्से की लेंथ जो है 13 फिट 8 इंच है और इस वाले हिस्से की लेंथ 22 फिट 7 इंच है, ठीक है। तो ये इस तरीके से टोटल बनाया गया, उसको आप ऐड कर लीजिएगा। मकान की विड्थ की बात करें, पोर्च की बात करें तो 7 फिट 7 इंच × 18 फिट 4 इंच आपका पोर्च का हिस्सा रहेगा। बरामदे की बात करें तो 16 फिट 8 इंच × 10 फिट में आपका ये बरामदे एरिया आपका इस तरीके से रहेगा। इसके बाद आगे बात करें तो गेस्ट रूम जो मिलता है आपको, इसका साइज़ की इसकी साइज़ की बात करें तो 15 फिट आप देख लीजिए इस तरीके से, 15 फिट × 15 फिट में आपको गेस्ट रूम मिलता है। और टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो 5 फिट × 8 फिट, और इसका किचन की बात करें तो 9 फिट 7 इंच × 8 फिट आपको ये मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका किचन है, बीच में जो पैसे जहाँ पे बच रहा है 6 फिट 4 इंच का, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये आपका 23 फिट 6 इंच, इस तरीके से आपको पैसे बचा मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो 11 फिट 4 इंच, ठीक है, × 21 फिट 7 इंच आपको ये हॉल एरिया मिलता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो 5 फिट 11 इंच × 6 फिट 6 इंच ये आपका हो गया, और 5 फिट आपका ये पैसेज हो गया। सीढ़ी की बात किया जाए तो 3 फिट 3 इंच इस तरीके से, और इसकी लंबाई की बात करें तो 10 फिट, और चौड़ाई की बात करें तो 11 फिट 5 इंच। ये इस तरीके से पूरा प्लान है। पीछे जो रूम है ऑलरेडी बने हैं, मैं फिर भी साइज़ दिखा देता हूँ 12 बाय 14 के। हालांकि ये साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, जस्ट इसको अंजादन मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट के प्लान बने हुए थे, ठीक है। तो 12 बाय
15 फीट एक जी, ये इतना थोड़ा सा इस तरीके से आपका ये पूरा प्लान रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इस प्लान का ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।